फिल्म मैंने प्यार किया को भला कौन भूल सकता है। आज भी लोग प्रेम सुमन की लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। यह वह दौर था जब बॉलीवुड में दोस्ती और प्यार वाली फिल्में बननी शुरू हुई थी। इसी समय एक हीरोइन ने इंडस्ट्री में कदम रखा था, जिसकी प्यारी भोली मुस्कान ने सबको अपना दीवाना बना दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाग्यश्री की। 23 फरवरी को जन्मी भाग्यश्री फिल्म मैंने प्यार किया से रातों रात स्टार बन गई थी। हर तरफ उन्हीं की एक्टिंग और मासूमियत की चर्चाएं थी। इस फिल्म से उन्होंने इतनी शोहरत बटोरी कि आज भी बॉलीवुड में उनका जिक्र होता है। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन करियर की शुरुआत में ही उन्होंने एक्टर प्रोड्यूसर अपने बचपन के दोस्त हिमालय दसानी से शादी कर ली। शादी के बाद भी उन्हें फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने यह कहकर फिल्में ठुकरा दी कि वो अब उन्हीं फिल्मों में काम करेंगी जिनमें उनके पति अभिनेता होंगे। उनकी यह शर्त निर्माता निर्देशकों को रास नहीं आई और भाग्यश्री का करियर वहीं ठप हो गया। भाग्यश्री की इस जिद ने उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ सिर्फ 3 फिल्मों में नजर आई, कैद में है बुलबुल, त्यागी और पायल में काम किया, लेकिन ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वर्ष 2001 में भाग्यश्री ने एक बार फिल्म हेलो गर्ल्स के जरिए बॉलीवुड में वापसी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच भाग्यश्री ने भोजपुरी, मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया। हालांकि इन फिल्मों से उन्हें वह स्टारडम फिर कभी नहीं मिला जो उन्होंने मैंने प्यार किया से हासिल किया था। भाग्यश्री ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल कच्ची धूप से की। इसके बाद उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया ऑफर हुई। उस वक्त भाग्यश्री की उम्र 18 साल थी। बता दें कि इस फिल्म के लिए भाग्यश्री को 1,00,000 रुपए फीस मिली थी, जबकि सलमान खान को सिर्फ 30,000 रुपए मिले थे। एक इंटरव्यू में भाग्यश्री ने बताया था कि वह वकील बनना चाहती थी, लेकिन भारत के लॉ सिस्टम से निराश होकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उनके पिता भी नहीं चाहते थे कि भाग्यश्री लॉ की पढ़ाई करे। बहुत कम लोग जानते हैं कि भाग्यश्री महाराष्ट्र के रॉयल मराठी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। भाग्यश्री भले ही फिल्मी करियर को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन दर्शक के दिलों में वो अभी भी बसी हुई हैं। फिलहाल भाग्यश्री अपने फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं और सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट वीडियोस शेयर करती रहती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।